हेलो स्टूडेंट्स आय गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमान्यू आई एस ए वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और आज यहाँ पे एच सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो अभी अभी जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट आया जिसमें अभिमान्यू आई एस से ट्वेंटी फाइव प्लस सेलेक्शन हुई आउट ऑफ सिक्सटी वन के करीब जो यू नो कॉल लेटर्स आए हुए थे राइट right? तो बहुत ही एक यू नो गोल्डन रिजल्ट यहाँ पे आया राइट तो उसी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए इवन एक न्यू बैच भी लॉन्च हो रहा है दैट इज़ स्टार्टेड दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है ये बैच सो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस बैच के लिए सो लेट्स सी ओके, ओके स्टूडेंट सो लेट्स सी तो आज का जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एचसीएस 2024 See here, student. Science and technology जो है हमारी दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर एच सी एस वाई टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है स्टूडेंट वो कंटिन्यू जो है वो इवन बढ़ता ही जा रहा है एच सी एस के अंदर अगर आप एच सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन से देखो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में फिर से पेपर होता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में पेपर होता है इवन उससे पहले भी अगर आप देखो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टूडेंट रेलिवेंस है वो बहुत ज्यादा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रेलिवेंस है ना स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा है खास करके हमारी बेसिक साइंस बेसिक से स्टूडेंट हर साल जो है वो ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जा रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर अगर मैं जनरली भी बात करूं स्टूडेंट तो स्टेट पीसीएस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खास करके जर्नल साइंस की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है प्री में भी और मेंस में अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की सिर्फ मैं प्रीलिम्स की बात करूं सबसे पहले स्टूडेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जर्नल साइंस है जर्नल साइंस इन द सेंस की हमारी जो बेसिक हमारी बायोलॉजी बायोलॉजी का पोर्शन है बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट यहां पे बहुत बो, ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए राइट जैसे कि बायोलॉजी में अगर बात करूँ तो वट इज सेल टिश्यू क्या चीज है राइट हमारी बॉडी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन ब्रेन हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, राइट सेल प्रोसेस ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ऐसे ही जैसे हमारी केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में जैसे स्टेट ऑफ मैटर हो गया एटम्स मॉलिक्यूल एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में भी एक बात फोकस करने वाली है कि जो हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री है मतलब कि एवरीडे केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीडे केमिस्ट्री का मतलब है स्टूडेंट की जैसे कि जो हम डेली बेसिस पे जो केमिस्ट्री हमारी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है फॉर एग्जांपल एसिड बेस पीएच सॉइल की पीएच, वाटर की पीएच, ब्लड की पीएच है ना बेटर ये जो चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बोलू की जैसे कि हमारा बेसिक जैसे कि दही क्यों जमती है राइट आ, ये चीज़ ऐसा क्यों होती है इस चीज़ में कौन सा रिएक्शन हो रहा है राइट ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट वो वाली चीजें ज़्यादा पूछी जाती है केमिस्ट्री में और रही बात फिजिक्स के अंदर इसमें भी हमारी एवरी डे फिजिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी डे फिजिक्स का मतलब होता है कि जो डेली बेसिस पे आप यू you नो know, एक ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज को देखो जिनके पीछे यू you नो know, एक लॉजिक है एक साइंस की कोई प्रिंसिपल काम कर रहे जैसे कि सनराइज जो है वो ईस्ट से क्यों होता है राइट right, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है ठीक है क्यों घूम रही है वो राइट right? और रिफ्रैक्शन uh, क्या चीज़ है रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है राइट right? सरफेस टेंशन क्यों है जितने भी हमारे यू नो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गोली क्यों होते हैं राइट right? तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सिंपल सिंपल प्रिंसिपल पूछे जाते हैं जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है राइट स्काई ब्लू कलर का ही क्यों होता है आपको स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते क्यों दिखाई देते हैं राइट right? जब सनराइज हो जाता है तब मतलब टू मिनट का वहां पे डिफरेंस होता है है ना सनसेट के टाइम पे भी दो मिनट लेट सन राट होता है एक्चुअल में वो पहले ही हो चुका होता है अपरेंटली हमें ऐसा फील होता है तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ योर जनरल साइंस फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आती है मेन हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं जैसे कि जैसे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी बायोटेक्नोलॉजी राइट बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी आप स्टूडेंट एक पेन पेंसिल लेकर बैठो उसके साथ साथ आप लिखते जाना ठीक है हेल्थ ठीक है डिजीज राइट बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्थ डिजीज राइट नैनो टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ठीक है दे दे आर आर बिकॉज ऑल ऑल टॉपिक्स करंट स्टूडेंट साइंस के अंदर रोज रोज बहुत सारी न्यू जो है वो अपडेट होते रहते हैं मतलब कि बहुत सारी न्यू रिसर्च आती रहती है जैसे कि कोविड नाइनटीन वैक्सीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ना तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एम आर एन ए वैक्सीन बन रही हैं डी एन ए वैक्सीन कैसे बन रही हैं एंटीबायोटिक्स कैसे बन रही और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर हेल्थ न्यू न्यू डिजीज आ रही है ना कभी ना कभी आप रोज देखते हो जैसे अभी अभी केरला के अंदर नीपा वायरस फिर से न्यूज में था राइट तो ऐसे जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी साइंस की एडवांस जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में आपको जर्नल एक पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए ठीक है मैं इसमें ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ लेना है ना आपको इसमें मास्टरी कर लेनी है स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्थ में या डिजीज में नहीं ऐसा नहीं माय पॉइंट ऑफ मेरा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसको आप करंट अफेयर के साथ क्या कर सकते अपडेट कर सकते ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर स्टूडेंट आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक कि आप जो है एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वाला पोर्शन कवर ना कर लो ठीक है और स्टूडेंट ये जब पोर्शन आपका कवर हो जाएगा फिर आपको डेली जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एम वैक्सीन होती क्या है तब तक आप न्यूज़ में जितना मर्जी एम आर वैक्सीन के बारे में पढ़ लो ठीक है कि फलानी कंट्री ने डेवलप कर लिया या उसने डेवलप किया तब तक आपको पता नहीं चलेगा ठीक है ऐसे ही हमारी डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जिसमें हम डिफेंस के बारे में अभी आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उधर से एक वॉर और शुरू हो गई है बिटवीन इसराइल एंड हमास मिलिटेंट सो दैट्स वाई डिफेंस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो स्टूडेंट तभी समझ में आती जब उसका स्टैटिक प्लस आप करंट अफेयर दोनों चीजें करते हो राइट तो आपका कौन कौन सा पोर्शन हो गया बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्थ डिजीज नैनो टेक्नोलॉजी राइट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी ठीक है ये जो है प्लस में प्लस जो है वो आपको पढ़ना है आई एंड आई टी एंड सॉरी आई टी एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो यू you नो know, आजकल का जो टाइम है वो बहुत ही एडवांस टाइम है आप अब ये क्लास देख रहे हो दैट इज ये पॉसिबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है अभी अभी देखो आपके फोन के अंदर फाइव जी डेटा चलना शुरू हो गया होगा है ना जियो ने इवन फ्री तक कर दिया है फाइव जी डेटा को तो जहां जहां पे भी एक्सेस है उन सब में 5G डेटा जो है हर फोन के अंदर चल रहा होगा राइट बहुत ही हाई स्पीड है उसकी तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी कवर होती है इसके अंदर ठीक है जी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्टूडेंट आपको जो है सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए ये आप लिख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका फिजिक्स

बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको अलग से सोर्स पढ़ना पड़ेगा स्पेस के लिए अलग से न्यूक्लियर के लिए अलग से डिफेंस के लिए अलग से नैनो के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा और आई के लिए आपको अलग से सोर्स करना पड़ेगा ठीक है ऐसा भी नहीं है कि आप बायोटेक की सारी बुक्स उठा के लिया और फिर आप पढ़ो तो इन सब के लिए इन सब को कवर करने के लिए सी हेयर स्टूडेंट हम जो है यहाँ पे एच ऑफलाइन बैच लेकर आ रहे हैं जो स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन द दिशियस डे फर्स्ट नवंबर जिस दिन हमारा हरियाणा डे भी होता है स्टूडेंट तो ये बैच हम लेकर आ रहे हैं एच ऑफलाइन बैच होगा ऑफलाइन होगा ये आपका बैच ठीक है अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉल और इवन कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको नंबर और हर चीज़ जो है उसका लिंक मिल जाएगा आपको ठीक है फॉर द रजिस्ट्रेशन सो ठीक है स्टूडेंट ये हमारा अभिमन्यु आई का 2023 का रिजल्ट है ठीक है 25 फाइव प्लस सेलेक्शनस हुई हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक है आप देख सकते हो रैंक फोर से लेकर रैंक नाइन फोर्टी फिफ्टी फोर ट्वेंटी फोर थर्टी एट ट्वेंटी फाइव ये सब जो हैं वो अभिमन्यु आई के यहाँ प्लेटफॉर्म से इनकी सिलेक्शन हुई ठीक है सिलेक्शन स्टूडेंट तभी होती है जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ और टाइम से टाइम के साथ आप प्रिपरेशन शुरू कर देते राइट टाइम से मतलब है मेरा कि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छा करते हो ठीक है टाइम से पहले भी कोई चीज़ कर लेना ना अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है फॉर इंस्टेंस मान लो दो महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाए या एक महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाए और तब तक आप वेट करो कि यार नोटिफिकेशन आने दो तो तभी देखूंगा तो या देखूंगी तो ये एटीट्यूड आपका गलत है ठीक है जब आपने सोच लिया कि हाँ जी मेरे को इन तरह इन, इन इनकी तरह ऑफिसर बनना है ठीक है तो फिर देर किस बात की राइट तो आप फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए स्टूडेंट्स और ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव बैच फ्रॉम फर्स्ट नवंबर सो so इसी के साथ स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेक्चर करती हूँ ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच